नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। जिले के ब्लॉक मालखरौदा एवं डबरा के बीच में घोघरी के बगान नाला में निर्मित ब्रिज से बिलासपुर से रायगढ़ प्रमुख सड़क मार्ग शिव नारायण से चंद्रपुर रायगढ़ को जोड़ने वाली सड़क मार्ग में घोघरी के बगान नाला का ब्रिज जर्जर हो चुका है। इस सड़क पर हर रोज भारी वाहनों की आवाजाही लगातार दिन रात होती रहती है, जहां घोघरी पुल इतना जर्जर हो चुका है कि राहगीर जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं, मगर पीडब्ल्यूडी व प्रशासन द्वारा गर्मी महीनों में मरम्मत नहीं कराया गया। सड़क के पुल के हालत दिनों दिन बिगड़ रही है। जहां हम बता दें कि जर्जर पुल के गड्ढे को ग्राम पंचायत घोघरी के सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में युवाओं ने घरों से ट्रैक्टर से पत्थर लाकर पुल के ऊपर गड्ढे को छोटे छोटे पत्थर बोल्डर से भरकर गड्ढे पाटने का प्रयास किया गया। सभी गड्ढे को भरा गया, पुल में जमा हो रहे बारिश के पानी से बाहर निकलने का रास्ता बनाया, जबकि सड़क पर बगान नाला में पुल बरसों से बना हुआ है। इस पुल को पूर्ण जीर्णोद्धार की जरूरत है। इस सड़क मार्ग के घोघरी बगान नाला में निर्मित पुल जर्जर होने से हादसे का इंतजार कर रहा है। बरसों से पुल जर्जर हो चुका है, पुल के ऊपर सरिया निकल चुके हैं, जगह जगह 3 से 4 फुट तक बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। पुल के ऊपर कई जगह छड़ टूट कर बाहर निकल चुकी है। इस कारण हर रोज दोपहिया वाहन राहगीर भारी वाहनों से हादसे के शिकार हो रहे हैं। कभी भी पुल बारिश में ढह सकती है। ब्रिज के ऊपर दोनों किनारों पर सुरक्षा के लिए रेलिंग नहीं है, जिस कारण कई ग्रामीण एवं राहगीरों को हमेशा खतरा बना रहता है। कई वर्षों पूर्व से लगाई गई रेलिंग दीवार टूट चुकी है, इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग एवं ठेकेदार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुल के ऊपर हमेशा बारिश के दिनों में लबालब पानी भर जाता है, जो डबरी में तब्दील हो जाता है, जिस कारण राहगीर मोटरसाइकिल चालकों एवं ट्रक चालकों को गड्ढे का एहसास नहीं होता और गड्ढे में फंस कर रोज दुर्घटना हो रही है। कई बार इस पर ग्रामीणों द्वारा पीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय विधायक सांसद को अवगत कराया गया, इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग के प्रदेश महामंत्री कमल किशोर पटेल ने कहा कि घोघरी के बगान नाला पुल की हालत बहुत ही जर्जर है, जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, लोगों का आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। पुल के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, चार पहिया कार को निकालने में भारी दिक्कत हो रही है, कार के बोनट पट्टे टूट रहे हैं, पुल पर छड़ भी निकल चुका है और पुल के दोनों साइड में रेलिंग भी नहीं है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि घोघरी के बगान नाला पुल को जल्द ही मरम्मत कराने का प्रयास कराया जाएगा। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह कवर्थ है, मैं घोघरी का मूल निवासी हूँ और घोघरी पुल बहुत ही खराब हो चुका है, जर्जर हो चुका है। बरसात में आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोग। तो हमारा सौभाग्य है कि हम पिंटू भैया जी के साथ में मिलकर वहाँ पर कुछ काम किए, मरम्मत करवाए, पत्थर लगवाए, इसके लिए बस। घोघरी बगान नाला में जो पुल है वो रायगढ़ जिले में के मुख्य मार्ग पर बना है और यह पुल बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। 10 वर्षों से मरम्मत नहीं चल रहा है यह पुल, और इस पुल के अगल बगल रेलिंग लगा था वो भी टूट गया है। 2.5 से 3 फीट गड्ढा है पुल में और सड़ सड़िया दिख रहा है सब। राहगीरों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, रोज दुर्घटना घट रही है। शासन से मांग है कि बहुत जल्द पुल का मरम्मत कर राहगीरों को का सहयोग करें। हमारे युवा साथियों के द्वारा कल गड्ढे में बोल्डर मुरुम डालकर पटाई किया गया था, जिसमें राहगीरों को बहुत आसान हो रहा है आज सफ़र करने में।